पहले दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला। अगर तुम चुराना छोड़ दोगे तो लोग गलती करना भी छोड़ देंगे। मेहनत करके कमाने की आदत वो पूंजी होती है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाती, पर गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा वो श्राप होता है जो आखिरी सांस तक तकलीफ ही देता है। पहले दिन ये प्रवचन देता तो तुम सुनते नहीं, पर अब दोस्ती पक्की हो चुकी है इसलिए तुम्हें समझाना मेरा हक है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? विकी यहाँ आया था। या शो शो विल कैच अप इन द इवनिंग। हाय कृष्णा, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ आओ बैठो। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? मेरा असली नाम है विक्रम कृष्णा। ओके विकी। विकी बोलिए दीजिए। अंकल बेटा, सारी गलती मेरी है। निकी ने कहा हम 2 महीने के लिए रिलेशनशिप ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ उन 60 दिनों के बारे में सोच रहा था, पर निकी मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में, पर मैं ही ये समझ नहीं पाया। जिस प्यार की उसे तलाश थी वो मैं नहीं दे पाया, इसीलिए वो चली गई, पर मैं उसका प्यार हासिल करने फिर यहां पर आया, पर उसका भरोसा ही गवा बैठा। मैं आज जा रहा हूं। तो चला गया ना वो, अब क्या? निकी हम सब देख सकते हैं कि वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, पर तुम क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम थी तो आकर मुझसे बात करता, उसके फ्रेंड से नहीं। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम पर बोझ हूँ तो उसने सच क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो सबके सामने उससे सवाल पूछे थे जब वो तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहा था। तुमने भी तो लंदन में पूरी कॉलोनी के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इसमें गलत क्या है? अगर उसने अपने दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का किया, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बाकी सबको छोड़ो, अपने पापा को ही देख लो। 30 साल हो गए इन्होंने कभी मेरी बनाई कॉफी नहीं पी, लेकिन कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ की कॉफी अच्छी नहीं बनती। सोचा होगा कहीं मुझे इस बात को जानकर पुराना लग जाए। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा झूठ में भी प्यार छुपा होता है, बस तुम्हें उस प्यार को समझने की जरूरत है। निकी ने कहा था टूटी हुई डॉल हो या टूटा हुआ दिल, चाहे 1,00,000 कोशिशें कर लो से पहले जैसा कोई नहीं बना सकता है। मैंने कोशिश की अंकल, मैंने इसे पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश की, पर निकी का दिल उन क्रैक से उभर कर खूबसूरती देख ही नहीं पाया। उम्मीद है किसी दिन उसे वो खूबसूरती दिखाई देगी। बेटा मैं निकी को समझाती हूं। नहीं आंटी, मैं इसी लायक हूं। आंटी आप तो जानती हैं, मैं ना तो प्यार समझता था ना ही उसका एहसास जानता था, लेकिन जब निकी मुझे छोड़कर गई तब मुझे प्यार का एहसास हुआ। जब उसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, तब दर्द का भी एहसास हुआ। ऐसा दर्द जो शायद सिर्फ मुझे मेरी माँ के गुजरने पर ऐसा दर्द में मैं रो रहा हूं। यह तो होना ही था, निकी का दिल दुखा के मैं खुश कैसे रह सकता हूं?
आपका बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार था ना, कि विकी आएगा तो उसके दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दीजिए, कम से कम आपका दर्द तो कम होगा। रोया था पापा, मेरे लिए रोया था। जानते हैं वो जिंदगी में किसी के लिए नहीं रोया है। आपने मनाया क्यों नहीं? आप सब लोग तो यहीं थे ना, उसे जाने से रोक सकते थे। छी, मेरे आने तक उसे बांध कर रखना चाहिए था ना। आप लोग किसी काम के नहीं, अब मुझे ही रोकना होगा। बाज नहीं आओगे ना? इसकी शादी हो रही है, मुझे कार्ड दे रही थी। सॉरी, इट्स ओके। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट पर था। फिर से अपने पहले वाले कपड़ों में आ गए? लंबा सफर था तो कंफर्टेबल कपड़े। ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? तुम्हीं ने तो कहा था जाओ। हाँ तो क्या हुआ? तुम क्या छोटे बच्चे हो जो मेरी हर बात मानोगे? ठीक है, चले जाओ, मैं थोड़ी तुम्हें रोकने आई। अच्छा, तो क्यों आई हो? तुम्हें ये डॉल लौटाने आई थी। तो दो ना। थैंक यू। रुको, दो मुझे। तुम सच में नहीं जानते कि मैं क्यों आई हूँ या जानबूझकर कर रहे हो। मैं यहाँ पर आई तुम्हारे सामने रो रही हूँ, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारा, तुम पर चिल्ला रही हूँ, पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। निकी, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था, पर सुबह तुमने मेरा ईगो हर्ट किया था ना, इसीलिए खेल रहा था। तभी किस करूंगी जब मेरा दिल कहेगा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जानते हो ये मेरी पहली किस है। अच्छा, मेरी तो ए, बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। I love you, Nikki. I love you more. मुझे सच्चा वाला प्यार करोगे ना? कभी मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? और किसी भी लड़की से फ्लर्ट नहीं करोगे? चुप क्यों हो? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, रुको रुको रुको। हाँ भाई, अब बोलो क्या बोल रहे थे। लगता है इसने फिर से कोई बड़ा झूठ बोल दिया।
I'm so sorry, officer. I was in a hurry and I didn't realize how I parked it and I just... Sorry, ma'am. You'll have to talk to my superior about that. One Indian lady broke the rule. Control. Okay. विक्की, तुम जाकर उससे बात करोगे प्लीज? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं? हाँ। नो प्रॉब्लम, विल टेक केयर। पक्का? हाँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। हाँ।